शायद उसको किरकिरी भी झेलनी पड़े और आने वाले वक्त में उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। बहरहाल बात पाकिस्तान की ही करेंगे एक बार फिर से, क्योंकि कश्मीर का राग लंबे समय से पाकिस्तान अलापता रहा है। तो उधर ट्रंप ने कश्मीर को लेकर मध्यस्थता का राग अलापा है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही ये कह चुके हैं कि कोई देश ये कष्ट ना करे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप मानते नहीं। अभी 14 दिन पहले की ही बात है जब दुनिया के दो दिग्गजों की गर्मजोशी भरी मुलाकात को देख पाकिस्तान जल फूल उठा था। फ्रांस के बियारित्स में G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मिले तो दुनिया को बता दिया गया कि कश्मीर का मसला द्विपक्षीय है। लेकिन पखवाड़े भर के अंदर ट्रंप के सुर फिर से बदल गए हैं। ट्रंप फिर मध्यस्थता का राग अलाप रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक कश्मीर को लेकर दो हफ्ता पहले की तुलना में तनाव कम हुआ है। इंडिया पाकिस्तान आर हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर कश्मीर, एज यू नो। आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट लेस हीटेड राइट नाउ देन इट वाज 2 वीक्स अगो एंड आई एम विलिंग टू हेल्प देम। आई गेट अलोंग विद बोथ कंट्रीज वेरी वेल। आई एम विलिंग टू हेल्प देम इफ दे वांट। दे नो दैट दैट इज आउट देयर। 370 के खात्मे से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने कश्मीर को लेकर ट्रंप से मुलाकात की थी। तभी ट्रंप ने मध्यस्थता का इरादा जताया था, लेकिन भारत की कूटनीतिक पहल के बाद ये मानना पड़ा कि मामले में दखल की जरूरत नहीं है। ट्रंप की मौजूदगी में पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया था कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर मुद्दा हमारा है। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलेटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं। 26 अगस्त को मोदी और ट्रंप की मुलाकात से पाकिस्तान बिलबिला गया था। पड़ोसी मुल्क की ये बेचैनी 370 हटाए जाने के बाद से कुछ ज्यादा ही है। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि इस मुद्दे पर वो दर दर की ठोकरे खाएगा, किसी का दखल भी उसे इस संकट से उभार नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। पाकिस्तान में सिखों और हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार का सच सबके सामने है। वहां से लोग जो है वो लगातार कंप्लेन करते हैं कि किस तरह से वहां पर उनके साथ अत्याचार किया जाता है। इमरान खान की पार्टी के अल्पसंख्यक नेता और पूर्व विधायक ने उनकी पोल खोल कर रख दी है। पाकिस्तान की सच्चाई जगजाहिर हो गई है। पाकिस्तान में आप देख रहे हो आया दिन जबरन लड़कियों को मुसलमान किया जाता है, जो है माइनॉरिटी के राइट्स नहीं मिलते। पाकिस्तान मानवाधिकार की बात करता है, लेकिन उसे ये नहीं दिखता और ना ही सुनाई देता है। पाकिस्तान में आप देख रहे हो आया दिन जबरन लड़कियों को मुसलमान किया जाता है, जो है माइनॉरिटी के राइट्स नहीं मिलते। पाकिस्तान कश्मीर राग अलापता है, लेकिन अपनी बर्बरता भूल जाता है। इमरान साहब, कहां गया आपका नया पाकिस्तान? कहां गया आपका अपने मुल्क से किया वादा? क्या यही आपका नया मुल्क है? सिखों पर जुर्म, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला पाकिस्तान। तस्वीरों में इमरान खान के साथ दिखाई दे रहे इस शख्स का नाम है बलदेव कुमार। ये इमरान खान की पार्टी से विधायक रह चुके हैं। अब यही वजीर आजम इमरान को आईना दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में हालात बदतर के बदतर जा रहे हैं। देख रहे हो आया दिन जबरन लड़कियों को मुसलमान किया जाता है, जो है माइनॉरिटी के राइट्स नहीं मिलते। मुसलमान भी सिक्योर नहीं है, अकेले माइनॉरिटी नहीं, मुसलमान लोग जो हैं वो भी सिक्योर नहीं है। बलदेव के मुताबिक इमरान पाकिस्तानी फौज और ISI की कठपुतली बन चुके हैं। अब वो पाकिस्तान नहीं लौटना चाहते। सिखों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से आहत बलदेव ने पहले अपने परिवार को हिंदुस्तान भेजा और अब वो खुद 3 महीने के वीजा पर पंजाब आ गए हैं।
मैं इंडिया में सालम लेना चाहता हूँ, मैं इंडिया में मोदी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने मेरे नेता यहाँ बैठे हुए हैं वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरी मदद की जाए, क्योंकि अब मेरे लिए बड़े इशू हो जाएंगे, मेरे लिए मसले बन जाएंगे, यहाँ सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए जाए कम अज कम। सोचिए, खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के नेता का ये हाल है तो उन आम अल्पसंख्यकों के साथ क्या सलूक होता होगा जिनका कोई सियासी रसूख नहीं है। मिनोरिटी के साथ यही हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ज्यादतियां हो रही हैं, ना एमपीए पूछने वाला है, ना एमएनए पूछने वाला है, जो राइट्स हकीकत बोलता है उनमें से कोई इस तरह मैं किसी को देखता नहीं हूँ जो हकीकत बोल सके, क्योंकि सब डर के मारे बोलते हैं, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट बोलती है वही बोलते हैं, हकीकत वही होता है। पाकिस्तान में बलोच, पश्तून, अहमदिया, ईसाई, सिख और हिंदू समुदाय के लोगों के साथ जोर जबरदस्ती की अनगिनत सच्चाई सामने आ चुकी है, फिर भी पाकिस्तान मानवाधिकार की बात कर रहा है। चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। घाटी में वो हिंसा की लगातार कोशिश में है, वो लगातार एलओसी पर बेगुनाहों को टारगेट कर रहा है। आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट ने नौशेरा सेक्टर से पाकिस्तान की कायरता का खुलासा किया। देख सकते हैं कि यहाँ पर जब पाकिस्तान के मोर्टर शेल गिरे उसके बाद यहाँ पर कितनी तबाही हुई, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी क्षति हुई है यहाँ पर मकानों में। अभी भी जो मोर्टर शेल द्वारा तबाही हुई है उसके निशान आप देख सकते हैं कि तबाही का मंजर यहाँ पर है। ये जो निशान आप इन दीवारों पर देख रहे हैं ये पाकिस्तान की हैवानियत का सबूत है कि पाकिस्तान जो है बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है नियंत्रण रेखा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और मासूम लोगों को, निहत्ते लोगों को निशाना बनाता है। कल भी यहां पर नियंत्रण रेखा के पास राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने लगातार जो है फायरिंग की, शेलिंग की, जिससे यहां पर जो स्थिति थी काफी भयावह हो चुकी थी और यहां पर जो आम लोग थे काफी डर गए थे, सहम गए थे। और यहां पर आप देख सकते हैं कि दीवारों पर ये जो निशान आप देख रहे हैं मोर्टर शेल द्वारा तबाही जो हुई है उसके निशान है, पाकिस्तान की हैवानियत का सबूत है। और अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं वो आपको ये तस्वीरें दिखाई, ये देखिए मोर्टर शेल जो है उसका जो बाकी जो है फटने के बाद अभी भी यहां पर गिरा हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा सीमेंट वगैरह, दीवारें टूटी हुई जो है उनके जो है यहां पर मलबा गिरा हुआ है। वहां पर मैं अगर अपने कैमरा पर्सन से कहूं कि वो जरा संभल कर यहां चले क्योंकि पूरा इलाका जो है यहां पर जो है शीशों से गिरा पड़ा है, कांच से। ये देखिए इस दीवार पर भी आप देखिए तबाही के मंजर आप देख सकते हैं, और खिड़कियां टूट चुकी हैं, दीवारें टूट चुकी हैं। और ये जो घर है एक पक्का घर है, पक्का मकान है, कंक्रीट का बना हुआ, और फिर भी आप देख सकते हैं कि मोर्टर शेल जब यहाँ पर फटा होगा तो उसके बाद यहाँ पर कितनी स्थिति जो है भयावह हुई होगी, डरावनी स्थिति हुई होगी, और यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं उनमें कितना डर पैदा हुआ होगा, भय पैदा हुआ होगा। कंक्रीट का मकान होने के बावजूद भी यहाँ पर तबाही का मंजर है, दीवारें टूट गई हैं, दीवारों में छर्रे लगे हैं, शीशा टूट चुका है, कांच टूट चुका है खिड़कियों का, तो तबाही काफ़ी ज़्यादा हुई है। लोगों के लिए काफ़ी कठिन समय है और अंदर भी ऐसा कहा जा रहा है कि तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। हम अंदर भी जाते हैं और जायज़ा लेते हैं कि आखिर अंदर की स्थिति क्या है मकान के अंदर, जैसा कि यहाँ लोग कह रहे हैं कि अंदर भी काफ़ी तबाही हुई है। हम ज़रा देखते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ है। आप दो हो यहाँ तो देख सकते हैं कि पूरी जगह यहाँ पर कांच जो है बिखरा हुआ है, शीशा टूटा हुआ है, और पीछे भी काफ़ी जो है छर्रे लगे हुए हैं।